जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा, नित्य गौर हरिबोल 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 हरिबोल, जय विष्णुपाद परम हंस पौजी का आचार्य अष्टोत्तर अष्टोशी श्रीमद श्री श्रीमान श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की।
इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेविदा होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस भौजी का आचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा पार्थ साथी ललिता विशाखा सखी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री श्री गौर नेताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथा श्रीमद भागवतम की नेताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shishi Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम पांचवां स्कंद 25वां अध्याय। अध्याय का नाम है भगवान अनंत की महिमा। श्लोक संख्या 2 और 3। तो श्लोक संख्या 2 का अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य है। श्लोक संख्या 3 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यस्य जिसका हावा निसंदेह इदम यह जगत कालेन कालक्रम से उपसंजिहीर्षत संहार करने की कामना करते हुए अमर्षा क्रोध से विरचित निर्मित रुचिर अत्यंत सुंदर भ्रमत घूमते हुए ध्रुवो भ्रुकुटियों के अंतरेण भीतर से सांकर्षण नामक रुद्र शिव जी के अवतार रुद्र एकादश व्यूह 11 विस्तारों वाला त्रिअक्षः 3 नेत्र त्रिशिखम 3 नोकों वाले शूलम त्रिशूल उत्तम्भयन उठाते हुए उद्तिष्ठत उठा। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो सांकर्षण कहलाते हैं 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यूह होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। तात्पर्य प्रत्येक सृष्टि में जीवात्माओं को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे बद जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकलाप समाप्त कर लें। जब वे इस अवसर का दुरुपयोग करते हैं तो और भगवान के धाम को वापस नहीं जाते तो भगवान संकर्षण क्रोधित होते हैं। क्रोध के कारण भगवान संकर्षण की भ्रुकुटियों से शिव जी के अंश रूप 11 रुद्र प्रकट होते हैं और वे सब मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं।
ओम ज्ञानतमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मुझे सेवा का अवसर मिला और मेरा सौभाग्य है मुझे और आप सब भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए ये भागवतम के पांचवें स्कंद का 25वां अध्याय भगवान आनंद की महिमा। शिला भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि आधुनिक युग में जन साधारण को श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करने में मुख्यतः तीन बाधाएं आएंगी। पहली बाधा श्रीमद् भागवतम की बहुत ही टॉप मोस्ट गहरी सिद्धांत, टॉप फिलॉसफी, डीप फिलॉसफी। और दूसरा श्रीमद् भागवतम में जो पांचवें स्कंद में बताया गया है कॉस्मोलॉजी, ये हमारी श्रद्धा का परीक्षा होती है ना। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, कैसे विश्वास करें है ना। अब पहले श्लोक में बताया गया था कि पाताल लोक से नीचे 240,000 मील नीचे एक और भगवान के अवतार है। कमाल है, उनको संकर्षण कहते हैं, उनको अनंत कहते हैं, क्योंकि गुण अनंत है इसलिए उनका नाम अनंत पड़ा। उनको तामसी भी कहते हैं क्योंकि शिव जी जो तमोगुण के अधिष्ठाते हैं वो उनके इष्ट देव हैं। तो समझ में नहीं आ रही तो, लेकिन एक ही मात्र तरीका है कि हम पूरी श्रद्धा रखें शास्त्रों के वचनों में। तो दूसरी बाधा ये कॉस्मोलॉजी की, और तीसरा भगवान का चरित्र। भगवान कभी गोपियों के वस्त्र हर रहे हैं, कभी रासलीला कर रहे हैं, कैसे भगवान है ये। तो ये तीन जो बातें हैं जन साधारण को समझ में नहीं आती है, वो भागवतम को पूर्ण से स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन हमारा सौभाग्य है पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हमें भागवतम का संदेश प्राप्त है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम तो छोटी छोटी बातें नहीं समझ सकते। हम ये ब्रह्मांड की बात तो छोड़ो, हम ये नहीं जानते हमारा शरीर कैसे चलता है। हमारे एक भक्त थे, उनके घुटनों में दर्द हो रहा था काफी। उन्होंने हर जगह जाके डॉक्टर्स को दिखाए, बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, बड़े बड़े टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल। तो उनके जान पहचान गए थे कोई, वो किसी बड़े हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गए। उसने देखा, सब रिपोर्ट देखी, चेक किया, प्रिस्क्रिप्शन शुरू किया। सबसे पहले लिखा आई डी के। भक्त ने पूछे, मामा जी आई डी के क्या है? बोलते आई डी के का मतलब है आई डोंट नो। डिसीज को लिख दिया आई डी के, नहीं मालूम है। आज पूरा संसार कोरोना वायरस से पीड़ित, छोटा सा वायरस, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब बिल्डर हैं, क्या है ये? तो एक छोटे से वायरस को तो हम समझ नहीं सकते, पूरे ब्रह्मांड को कैसे समझेंगे? तो एकमात्र उपाय है कि जो प्रमाणिक शास्त्रों से, प्रमाणिक स्रोतों से हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हम पूरी श्रद्धा रखें। इसमें और कोई उपाय है नहीं, हम अपनी छोटी से कुछ नहीं समझ सकते।
और ये बताया गया कि पूरा ब्रह्मांड, दूसरे श्लोक में बताया गया कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है अनंत के सहस्त्र फणों में एक फण के ऊपर रखे हुए यह विशाल ब्रह्मांड सरसों के दाने के समान है। पूरा ब्रह्मांड इतना विशाल, अनंत जी के फण पे रखा हुआ एक सरसों का दाना, कैसे समझे इस बात को, मानना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं एक ऐसी चील है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाती है और नीचे देखती हाथी को तो हाथी को उठा लेती है, चील हाथी को उठा लेती है, सारे शिष्यों देख और नीचे फेंक देती है, और जब वो मर जाता है उसको खा जाती है। शिष्यों को समझ नहीं आया, बोले आएगा भी नहीं समझ। ऐसी भी चील होती है, एक उड़ती है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में और हाथी को उठा के नीचे फेंक देती है और फिर खाती है। ये बहुत ही विचित्र विचित्र अद्भुत अद्भुत वस्तुएं हैं इस संसार में। और ये तो भगवान की सृष्टि का 1/4 क्रिएशन है, बहुत ही जगत आध्यात्मिक सृष्टि 3/4 है, क्या समझेंगे हम, है ना। तो इसलिए एक सरसों के दाने के समान एक पूरा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े विशाल द्वीप हैं, महासागर हैं, पर्वत हैं, पूरा अंतरिक्ष है, कितने बड़े ग्रह हैं, वो सब मिला के एक सरसों का दाना। आप सोचिए पूरा ब्रह्मांड एक सरसों का दाना, और उस ब्रह्मांड में हम लोग, हमारी क्या स्थिति है। बहुत प्रसिद्ध एनेक्डोट है कि तमालक्षण गोस्वामी महाराज कह रहे हैं अपने मेमोरीज में कि वो टेंपल कमांडर थे लॉस एंजलिस मंदिर में, ला सियने का जगह थी, वहाँ टेंपल कमांडर थे। एक बार प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, प्रभुपाद जी बोले यार भागवतम लेके आओ ना, भागवतम लाए तो भागवतम के ऊपर कवर में बड़े आध्यात्मिक पूरे ब्रह्मांड प्लैनेट्स बने हुए थे। प्रभुपाद देख रहे हैं ये आध्यात्मिक जगत असीमित है ना, बोले हाँ सीमित है, असीमित है, लेकिन फिर भी ये भगवान का 3/4 क्रिएशन है। और फिर ये भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 7 द्वीप हैं, उसमें से एक अमेरिका है, अमेरिका एक शहर है लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में एक जगह है ला सियेनगा, उसमें एक चर्च है, उस चर्च को हरे कृष्णा मंदिर बना दिया गया, उस मंदिर में एक छोटा सा जीव है जिसका नाम है तमाल कृष्ण, और वो कहते हैं मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। क्या स्थिति है, देखो तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं मैं समझ गया प्रभुपाद की बात, प्रभुपाद जोर से हंसे, मुझे लग गया कि मेरी क्या वास्तविक स्थिति है। और ये वास्तव में बार बार इस बात में मनन करना चाहिए हमें, कुछ क्या स्थिति है हमारी, और जब तक इस स्थिति को नहीं समझेंगे हम आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में अनुकूल नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारे संसार में बंधे रहने का मुख्य कारण क्या है, मिथ्या अहंकार। अगले श्लोक में यहाँ बता रहे हैं तीसरे श्लोक में कि संकर्षण को क्रोध क्यों हो जाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो सृष्टि का निर्माण किया गया उसके पीछे भगवान की एक योजना है। योजना क्या, फटाफट काम फिनिश करो वापिस आओ। ये संसार एक टॉयलेट के समान है, टॉयलेट में कोई परमानेंट सेटल होने के प्लान्स नहीं बनाता। आजकल वैसे टॉयलेट आप जाएंगे इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं समझ में नहीं आता, सब कुछ है उसमें। एक किसी के घर में रुके टॉयलेट ऐसा था पता नहीं चल, घुमाओ यहाँ पानी वहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा क्या, इतनी इंजीनियरिंग की हुई है उसमें, कोई मैनुअल रखना चाहिए पानी कैसे निकलेगा बता। तो लोग इतना सुंदर टॉयलेट बनाते हैं, इतना कंफर्टेबल, लेकिन टॉयलेट तो बस अपने आप को शुद्ध करो जल्दी से जल्दी बाहर आओ, ये इस भौतिक जगत के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जीव जब यह नहीं समझता और यहाँ बहुत कंफर्टेबल होने का प्रयास करता रहता है तो संकर्षण जी को क्रोध आ जाता है और फिर प्रलय होती है, फिर उनकी भृगुटी से रुद्र प्रकट होते हैं। अब यहाँ लिखा गया कि जब अनंत जी को क्रोध आता है तो उनके आंखों के बीच में से 3 आंख वाले रुद्र प्रकट होते हैं त्रिशूल लोके, और वो प्रलय करते हैं। अब हम भागवत में तीसरे स्कंध में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की रचना की, वो बोल रहे हैं हम ब्रह्मचारी बनेंगे, फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो फिर उनकी भ्रिकुटी में से रुद्र निकले। तो कैसे इस बात को समझे, ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से भी निकले और संकर्षण जी की भ्रिकुटी से भी निकले, है ना। तो बहुत मैंने ढूंढा कुछ कारण मिल नहीं रहा था, रुद्र तत्व शिव तत्व समझना इतना आसान नहीं है, तो बहुत देखा तो मिला नहीं, पूरा वेदावेस में छाना कहीं कुछ आइडिया मिल जाए। फिर मैंने अंत में जितामित प्रभु जी को फोन किया, मैं कल क्लास है प्रभु जी, तो भाई चंद जितामित प्रभु मैं भी जा ही रहा हूँ, फिर बता दो एक। तो उन्होंने बताया इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब क्रिएशन हुई थी, शुरू हुई थी, तो ब्रह्मा जी के बीच में से निकले
और फिर वो शांत होगी, ब्रह्मचर्य ने शांत कर दिया तो ज्यादा तबाही मत मचाओ, समाधि में चले जाओ। और जब डिस्ट्रक्शन करना था, प्रलय करनी थी, तो संकट जी के बिकुट के बीच में से निकले। तो कुछ लॉजिकल लग रहा था, ठीक है। और वो ब्रह्मा जी की शुरुआत थी, दिन की शुरुआत थी, और ये सृष्टि का अंत है। तो इस ढंग से बिकुट के बीच में से निकले और उन्होंने पूरा संहार किया। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, प्रत्येक सृष्टि में जीवात्माओं को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे वह जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकलाप समाप्त कर लें, वाइंड अप। भौतिक जगत वाइंड अप करने के लिए, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में, संन्यास आश्रम में, निपटाएं बस, खत्म काम करें और जाएं। और क्यों नहीं हम जा पाते? अपने मिथ्या अहंकार के कारण। हम सोचते हैं हम यहीं के हैं, यहीं पे सुखी रहने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। और हर व्यक्ति संसार में, क्योंकि कृष्ण की नकल मारते हुए आया है, अपने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और जब तक हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते रहेंगे, भगवत नाम तो जा नहीं सकते। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भ्रत्य, भागवत हमके छठे स्कंद में, जब महाराज चित्रकेतु को भगवान शंकरशन के दर्शन हो गए और विद्याधर लोक के अधिपति बन गए, और भगवान ने उनको सब कुछ दिया, सुंदर स्वस्थ सुंदर रूप, बहुत लंबी आयु, और भगवान ने स्वयं इनको एकदम रत्न जड़ित विमान दिया। उस विमान में बहुत सुंदर सुंदर उनकी पत्नियां थी, स्त्रियां थी, उनके साथ बैठ के वो मिश्रण कर रहे थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे। करते करते पहुंचे कैलाश में, और देखा शिवजी एक सभा में बैठे हैं, सारे ऋषिगण मुनिगण बैठे हैं, शिवजी भागवतम का पाठ कर रहे हैं और अपनी जांग पे उमा पार्वती को बिठा के उनका आलिंगन कर रहे हैं। ये जब चित्रकेतु ने देखा, वाला क्या बात है, जगत गुरु हैं, क्या बात है, क्या आचरण है, ऐसा मजाक कर दिया। शिव जी भी देखो उनको मुस्कुराए, वाह तुम्हारा भी क्या आचरण है, विद्याधर प्लेन में इतने स्त्रियों के साथ, ये अंदर की बात है। वो एक अपने सीनियर गॉड ब्रदर के साथ मजाक कर रहे थे, वाह वाह क्या बात है। पार्वती जी को बहुत बुरा लग गया, पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया, है ना, कि तुम क्या किसका मजाक उड़ा रहे हो, जानते हो कौन है ये, इतने बड़े ऋषिगण बैठे हैं, वो चुपचाप बैठे, तुम कौन से आए इनको ठीक करने के लिए, तुम क्या समझते हो, तुम्हारा हिंदी ज्यादा संयम है, अपने आपको बहुत ऊंचा समझते हो। तो फिर पार्वती जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, पार्वती जी ने कहा, नायम अर्हति वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम संभावित मति स्तब्धो साधु भी परुपासितम। नायम अर्हति वैकुंठ, ये ऐसे व्यक्ति वैकुंठ जाने लायक नहीं है। क्यों? इनकी अयोग्यता क्या है? संभावित मति स्तब्धो। संभावित मति क्या है? कि अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, वो स्तब्धो अशिष्ट हैं, निर्लज हैं, बोलते हुए शर्म नहीं आई इनको, कुछ किसी को भी कुछ कमेंट मार दिया, ऐसे लोग वैकुंठ जा नहीं सकते, भूल जाओ। तो बहुत अच्छा संदेश है। हालांकि चित्रकेतु जी ने बड़े प्रेम से इसको स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब तक हम इस संसार में इस मिथ्या अहंकार में फंसे हुए हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और ये संसार ऐसा बना हुआ है, छोटी छोटी बात में हमारा अहंकार बढ़ जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, मैंने पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, एक भिखारी के हाथ में थोड़ा सा ज्यादा आ गया, वो भी सोचता है कि क्या है। भक्ति सिंह स्वामी ठाकुर महाराज एक कथा सुनाया करते थे, एक बार एक मेंढक को गलती से 1 रुपए का सिक्का मिल गया। बोले कमाल है, किसी मेंढक के पास 1 रुपए का सिक्का नहीं है, मेरे पास है, इस सृष्टि का सबसे अमीर मेंढक मैं हूँ। खबरदार जो कोई मेरे सामने आया, आज एक खड़ा हो गया नदी के तट के ऊपर, सामने एक बड़ा सा हाथी, अरे हाथी रुक जा, खबरदार, देखता नहीं किसके कौन खड़ा करे सामने, हाथी के को क्या समझ आएगा, हाथी मदमस्त चल रहा है, रुक जो खबरदार जो आया, हाथी चलता गया चलता गया, जैसे पास आ गया, मैंने को डर लग रहा है क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा, किसी ढंग से हाथी के पैर से वो बच गया, बोले हाँ बच गया। हाथी जब आगे निकला, हाथी ने बहुत बड़ा मल त्यागा, उस मल के नीचे बेचारा दबके मर गया। ये ऐसी हालत है, छोटी सी हमें उपलब्धि मिल जाए, पता नहीं हम क्या सोचते हैं, और कोई आध्यात्मिक उपलब्धियां हो जाए तो समझते बस मैं तो बन गया, बहुत बड़ा भक्त बन गया, देखो क्या घूम रहा है सब, और लोग भी बोलते हैं आप तो बड़े महान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छा ये, तुरंत हम समझते हैं बहुत विशेष है। तो इसीलिए याद रखना चाहिए, ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा से है। केन उपनिषद में कथा आती है कि देवताओं का, जय श्री राधा पार्था साथी वैशाखा की, देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, और जय श्री गौनिताय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, और जब देवताओं असुरों का युद्ध हुआ
तो भगवान विष्णु की कृपा से देवतागण विजयी हो गए, और जब विजयी हो गए तो उनका बड़ा अहंकार बढ़ गया कि हम जीत गए, हमारे बल के कारण हम जीत गए। भगवान समझ गया अहंकार बड़ा हुआ है। तो सारे जब स्पष्ट समाप्त हो गए तो एक यक्ष के रूप में भगवान अवतरित हो गए। तो इंद्र ने बोला, ये कौन है, पूछो इसे, ये यक्ष कहाँ से आ गया, है ना। अच्छा, तो उन्होंने अग्निदेव को भेजा, जाओ कौन है, कौन हो भाई आप, बोले पहले बाद में बताऊंगा, ये घास का एक तिनका ना, इसको जलाओ। किससे बात कर रहे हो, अग्निदेव से बात कर रहे हो, घास का तिनका जलाओ तो सही। अग्निदेव ने पूरा जोर लगा दिया, घास का तिनका जला ही नहीं, वापस चले गए। बड़े बड़ा विचित्र यक्ष है ये तो। फिर वायुदेव के भेजा, भाई कौन हो भाई, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको उड़ा के दिखाऊंगा। अरे घास का तिनका कैसे उड़ाना, पूरा जोर लगा दिया, घास का तिनका उड़ा ही नहीं। वरुण जाए, कौन है, गीला करके पानी बरसा दिया, वो गीला ही नहीं। एक एक देवता आए सब परेशान, स्वयं इंद्र आए अपना वज्र लेके, देखता हूँ कौन आया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और फिर यक्ष अंतर्ध्यान हो गए, सब परेशानी क्या है, कैसा घास का तिनका, ये यक्ष कौन थे। तब वहाँ पे दुर्गा जी प्रकट होती हैं और बोलते हैं, ये जो यक्ष हैं ये साक्षात भगवान थे, आपको बताने आए थे, जो आपकी विजय हुई है अपने बल के कारण नहीं, ये घास के किन को तो हिला नहीं सके आप, है ना। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। जिस दिन हमें रियलाइज हो जाएगा हम इस भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और ये जो अहंकार बना रहेगा कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये हमें संसार में बांध के रखेगा। और जब तक ये बांध के रखेगा, भगवान की जो सृष्टि की पूरी रचना है उसके हम विरोध में जा रहे हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई, उसके पीछे उनका पर्पस है। एक बार श्री प्रभुपाद ने बोला, कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। सारे हिप्पीज के चेहरे खिल गए, बोले नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट, हिज ओन एंजॉयमेंट, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए। तो ये सृष्टि का क्यों प्लान है ये जानना चाहिए। तो इसका थोड़ा चर्चा करेंगे कि भगवान की कैसी योजना है, उसको हम कैसे अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में सातवें अध्याय में वर्णन आता है कि जब नारद मुनि व्यास जी को बोलते हैं कि आपने भगवान के शुद्ध भक्ति का प्रचुर रूप से वर्णन नहीं किया, और नारद मुनि जब चले जाते हैं तो व्यास देव जी संप्राशय में जाके सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर बैठते हैं अपने आश्रम में, और भक्ति योग में मनन करते हैं। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणति अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायाम च तद अपाश्रयम। देखते हैं पूरे भक्ति योग में भगवान पे ध्यान लगाते हैं, भगवान की लीलाओं पे ध्यान लगाते हैं, तो उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, और साथ ही साथ उनको बहिरंगा शक्ति भगवान की माया देवी के दर्शन होते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है। और उसके बाद वो क्या देखते हैं, जीवों को देखते हैं। यया सम्मोहितो जीवम आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनोते अनुर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। कि पूरे जीव जो हैं इस माया से सम्मोहित हुए हुए हैं, तीन गुणों में बन गए हैं। परो अपि, हालांकि वो तीन गुणों से परे हैं, मनुते अनर्थम, अपने आप को इस संसार का मान रहे हैं, तत्कृतं चाभिपद्यते, इसलिए वो ये तीन प्रकार के क्लेशों को सह रहे हैं। इस संसार के नहीं है, जीव आध्यात्मिक है, अपने आप को इन तीन गुणों से बंधा हुआ मान रहा है, इस संसार का मान रहा है, इस कारण से वो दुख पा रहा है। ये पूरा दृश्य उन्होंने देखा। भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विधि अनादि उभवम, कि भगवान की बहिरंगा शक्ति और जीव दोनों ही अनादि है। जीव कब से कैसे माया में फंसा, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और जीव गोस्वामी जी भी तत्संदर्भ में इसकी बड़ी चर्चा करते हैं। बोले जीव कैसे फंसा, क्यों फंसा, बोले ये आप जाने नहीं सकते, एक ही शब्द से इसका उत्तर मिलेगा, क्या, अनादि, अनादि काल से। कैसे, क्यों फंसा, बोल रहे ना विद्यते आदि कारणम ययो, जब किसी चीज का कोई कारण नहीं होता उसको अनादि कहते हैं। जीव माया में क्यों फंसा, अनादि काल से है, कोई कारण देख नहीं सकते। किसी चीज का कारण तब मालूम कर सकते हो जो आपके सामने घटी तो घटना, मैंने देखा जी ऐसा हुआ तो ये कारण है, आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप कुछ माप सकते हो, जान सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते, बिगिनिंगलेस है, जब से देखा ऐसे ही है, बिगिनिंगलेस है, तो क्या कारण मालूम करेंगे। तो उत्तर क्या है, क्यों फंसा, अनादि। कब फंसा, फिर टाइम का रेफरेंस आ गया, कब फंसा, ये भी अनादि, तो ये भूल जाओ। प्रभुपा लिख रहे हैं तात्पर्य में, केवल परम पुरुषोत्तम कृष्ण ही जानते हैं ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ।
उसकी चिंता मत करो, अब यहाँ से निकलने का प्रयास करो। ओके, तो हम फंसे हुए हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि हम नित्यबद्ध हैं संसार में, जीव अनादिकाल से बंधे हुए हैं, ठीक है, थोड़ी देर अच्छे ढंग से इस बात को समझ जाएं, तो हमारे बंधन अनादि है, बिगिनिंगलेस है, लेकिन ये बंधन एंडलेस नहीं है, इसको हम अंत कर सकते हैं, ये विशेष बात है। और जीव हालांकि माया के चुंगल में फंसा हुआ है, लेकिन जीव की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है भगवान की सेवा करने की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से इसको जागृत कर सकता है। जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके अंदर रोशनी देने की क्षमता है, लेकिन रोशनी तभी देगा जब उसमें करंट आएगा। इसी प्रकार से जीव का नित्य स्वरूप है कृष्ण का दास, वो भगवान की सेवा करेगा, लेकिन जब वो भक्तों के संग में आ जाएगा, नहीं तो उसकी वो सेवा की प्रवृत्ति ढकी रहेगी, बंधी रहेगी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है, उसका जो पोटेंशियल है उसको बस उसको रियलाइज करना है उसको, तो भक्तों के संग में आएगा, श्रवण कीर्तन करेगा, तो उसकी वो जो सेवा करने की प्रवृत्ति है पुनः जागृत हो जाएगी, वो उसके अंदर पोटेंशियल है। एक बार वो जागृत हो गई तो फिर क्या होगा, वो अपने मन और इंद्रियों का सही उपयोग करेगा भगवान की सेवा में, तो जो एंडलेस बॉन्डेज है वो, सॉरी जो बिगिनिंगलेस बॉन्डेज है वो एंडलेस नहीं रहेगी, जीव भी जो है नित्य पद से नित्य मुक्त हो सकता है। ये एक उम्मीद की किरण है, इसीलिए भगवान ने सृष्टि की रचना की कि अब आप अपने मन और बुद्धि का इस ढंग से इस्तेमाल करो कि आप इसको अपने इंद्र तृप्ति में ना लगा के आप भगवान की सेवा में लगाओ, ये जो मिथ्या अहंकार को आप असली अहंकार में परिवर्तित करो। अब हम देखते हैं संसार में, आप हमारे पंजाबी मंदिर के बाहर क्लब रोड में बहुत बड़े बड़े हेयर क्लिनिक है आजकल, यहाँ पर साउथ दिल्ली मैंने देखे नहीं, बड़े अरे मिस्टिक हेयर क्लिनिक, हेयर पॉइंट, आर्ट ऑफ हेयर, पता नहीं क्या क्या करके हैं, प्लास्टिक सर्जरी, और उसमें आप सोचिए जब कोई व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी कराता है या अपने सर पे बाल उगवाता है आर्टिफिशियल रूप से, तो बहुत पीड़ादायक प्रोसेस है, पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन केमिकल्स लगा के एक बाल उगता है इतने हजार रुपये खर्च करके, वो फिर प्लास्टिक सर्जरी करके यहाँ से उठा के नाक सीधा किया, ये मुंह मोटा किया, क्या किया कुछ करके, बहुत कष्टदायक है। तो इस बाहरी शरीर को बदलना चाहते हैं हम तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, और जो सूक्ष्म शरीर को बदलेंगे तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। और ये माया को भगवान ने ऑर्डर दिया है कि इनकी मिथ्या अहंकार को काटो, जब मिथ्या अहंकार कटता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन हमें जब पर्पस पता होगा कि क्यों मिथ्या अहंकार काटा जा रहा है तो हम खुशी खुशी कटवा लेंगे इसको। जो जिसने लगता है मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ, बोले जो मर्जी हो जितना पैसा लगे लगे, मैं गंजा नहीं दिखना चाहिए, बाल दिखने चाहिए, मैं शर्म आती गंजा में बाल उगाओ मेरे, है ना, कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मैं बूढ़ा लग रहा हूँ, मेरे को जवान दिखना है, जो कष्ट होना है हो मेरा अच्छा जवान दिखना चाहिए, बेचारा कितना कष्ट रहेगा कि किसी ढंग से मेरा शरीर ठीक दिखे। पूरा खेल ये सूक्ष्म शरीर का है, प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस द ट्रेनिंग ऑफ सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर का प्रशिक्षण है, इसमें जब इसको बदलाव करेंगे, अहंकार को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो तकलीफ तो होगी होगी, नहीं एक बार हमें पता चल जाए कि हो रहा है किस लिए हो रहा है तो फिर इसके बड़े साथ इसमें कॉपरेट करेंगे, फिर बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब प्रश्न ये होता है, कृष्ण को हम रोज कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, बड़े करुणा के सागर हैं, वो उनके बच्चों पे इतने कष्ट हो रही है, माया देव इतने कष्ट कर रही है, माया को रोकते क्यों नहीं कृष्ण, क्यों नहीं रोकते माया को, क्या कहना आपका, कोई कौन पिता अपने बच्चों को इस तरह से कष्ट पाते हुए देखेगा, माया को रोक दे, मत करो मत करो मत करो, बचोगे बच्चा छोड़ दो इसको, क्यों नहीं रोकते, सीखेगा नहीं, यस हाँ ठीक कह रहे हैं आप। तो देखिए भगवान की भी इच्छा नहीं है हमें कष्ट मिले, लेकिन भगवान ने सृष्टि स्थिति प्रलय छाए यस भिवनानी विभर्तु दुर्गा, दुर्गा जी को पूरा दिया हुआ है कि आप संभालो इन जीवों को, इसको ठीक करो, भगवान चाहते नहीं है कष्ट पाए, और जो दुर्गा माता है वो भी नहीं चाहती हमें कष्ट दे। भागवत में दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का 13 नंबर श्लोक है, बोले विलज्य माना यस्य स्थाति तुम इक्ष्पथे मुया विमोहित विकंठन्ते माम अहम इति दुरिदया। माया देवी को भी कृष्ण के सामने आने में लज्जा आती है, शर्म आती है, क्यों कि मैं जीवों को कष्ट दे रही हूँ,
हालांकि उसका थैंकलेस काम है ये कष्ट देना। भगवान भी नहीं चाहते जीवों को कष्ट मिले, माया को भी इच्छा नहीं है जीवों को कष्ट देने की। ये हमारी दुर्मति है कि हमें भगवान कहते हैं ठीक करो, अब इसको कैसे भी ठीक करो, तो माया हमें कष्ट देती है। भगवान उसको रोकते नहीं है, क्योंकि और समझ लो एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर ने जेल बनाए हैं, तो आप पुलिस को तो पूरी अधिकार देगा ना कि चोर से जैसे मर्जी उसके व्यवहार करो, बस चोर को ठीक करो। तो वैसे ही हमारी हालत है, तो माया को इंडिपेंडेंस दी हुई है कि ठीक करो इनको, वापस मेरी सेवा में भेजो। ये तो बात ठीक हो गई। और भगवान ने भी कहा देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्ना मम माया माँ में भी प्रबंधनते माया में तम तरंती थे। जो मेरी एक शरण लेना शुरू कर देगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो जो मेरी शरण ले लेगा वो माया को पार कर जाएगा। फिर प्रश्न ये उठता है कि हम तो सब शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, फिर क्यों माया हमें तंग करती है? जो शरण नहीं ले रहे उनको मार पीट करो भाई। हम तो शरण ले रहे हैं, रोज सुबह जल्दी उठते हैं, सोलह माला जप कर रहे हैं, चार नियम का पालन कर रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं, फिर क्यों पिटाई होती है हमारी? और क्या करें, भगवान आपने बोल तो दिया शरण लो, ले तो रहा हूँ शरण, फिर क्यों इतनी पिटाई होती है? क्यों प्रभुपाद जी, उनके शिष्य ने पूछा भगवान चाहते हैं हम उनके पास आए, हम भी चाहते हैं हम उनके पास जाएं, बीच में माया क्यों डाल दी? माया को इतना स्ट्रांग क्यों बना दिया? प्रभुपाद जी ने बोला माया स्ट्रांग नहीं है, आपका भगवत हम जाने का उद्देश्य स्ट्रांग नहीं है। तो क्यों फिर माया भक्तों को तंग करती है? हाँ फटाफट करो, माया बहुत इस बढ़िया कस्टम एजेंट है, कोई उत्पाती जीव ऊपर ना पहुंच जाए, यहाँ तो जितना मर्जी उत्पाद मचाना ठीक हो जाओगे, वहाँ यहाँ के ऊपर वायरस डाल दिया आपने। कृष्ण भी बोलेंगे राज लगा कर कौन आ गया बीच में, डिस्टर्ब कर दिया, तो बेसुरा कोई आ गया वहाँ पे, तो इसीलिए बोले नहीं अपना सुर मिला के आओ नीचे, पूरी प्रैक्टिस करके आओ, फिर जाएंगे भगवत धाम। तो माया हमें टेस्ट कराती रहती है। एक गाड़ी भी बाहर निकलती है ओके टेस्टेड के लिए, उसको हर जगह से टेस्ट किया जाता है, ऊपर नीचे फेंका जाता है, तब जाके उसको टेस्टेड बोला ओके बोला जाता है। तो जीव कोई भगवत धाम जाना है तो माया पूर्ण रूप से टेस्ट करती है, हर प्रकार का उसको देगी, बहुत उसको यश भी देगी, बहुत उसको अपयश भी देगी, शारीरिक मानसिक कष्ट भी देगी, सब में से वो निकलते हुए बोलता रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। फिर माया बोले ओके टेस्टेड, जाओ वेरी गुड। तब तो ये मालूम होना चाहिए कि जब माया के द्वारा हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, ये बहुत अच्छा मौका है कि माया हमें पुश कर रही है कि जाओ, अपने त्रिशूल से मार रही है, जाओ भगवान की शरण में, और गहराई में जाओ शरण में। हम सोचते हैं नहीं नहीं हम अपना कोई जुगाड़ करेंगे, पहले ये ठीक कर लूँ वो ठीक कर लूँ, भगवान के शरण तो हमेशा ही रहेंगे, कभी भी चला जाऊंगा। पहले हम भक्ति में आने के बाद भी हमारा कई बार लक्ष्य बदल जाता है, हम सोचते हैं पहले छोटी छोटी समस्याओं को ठीक कर लूं, बाद में भगवत धाम तो जाना ही है, वो मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन पहले इसको ठीक कर लूं, और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। तो जो ऐसे मर्जी स्थिति हो, हमने क्या करना है, इसको वाइंड अप करना है। हर परिस्थिति में अपने जीवन के लक्ष्य को भूलना नहीं है कि मुझे भगवत धाम वापिस जाना है, भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना है। तो ये जब समस्याएं आती हैं, इसमें एक भक्त को मौका मिलता है ज्यादा अंतर्मुखी हो जाए, ज्यादा गहराई से शरण ले, और ऐसे में उसको एक चीज जो सबसे ज्यादा बजाती है वो है भक्तों का संग। सताम प्रसंगा मम वीर्य समेत भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोशनादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात प्रकष्ट रूपेण संग प्रसंगात, भक्तों का बहुत गहराई से संग करना चाहिए। भक्तों का संग कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं है, कई बार भक्तों का संग कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आइए कि अच्छी बात बता दी, ये अच्छी बात बता दी, इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल जाएगी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कहाँ देखो यूट्यूब इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आध्यात्मिक जीवन के बारे में सब मिल जाएगी। लेकिन जो भक्तों का प्रसंग करने का अर्थ है भक्तों के हृदय के भावों को जानने का प्रसार करना, उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति गुरु के प्रति आसक्ति है उसको लेने का प्रयास करना, उनका जो भक्ति में सर्विस एटीट्यूड है उसको जानने का प्रयास करना, ये सताम प्रसंग। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, भवंती हितकरण रसायना कथा,
जो भगवान की सुंदर कथाओं का वर्णन होता है उसमें जो रसायन मिलता है, जो टॉनिक मिलता है, वो हमें शक्ति भी प्रदान करता है, हमें इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। हमारे लिए इन्फेक्शन क्या है? ये भौतिक जगत का आकर्षण। जितना अच्छे ढंग से हम भक्तों के बीच में श्रवण कीर्तन करेंगे, वो जो रसायन मिलेगा, हमारे भौतिक आकर्षण कम हो जाएंगे, उससे हम बचे रहेंगे। और फिर क्या होगा? अपवर्ग वर्तमानी, हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। भगवत धाम जाने के लिए श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्मश्यति, साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त करेंगे। तो ये मुख्य बात है। लेकिन माया का जो सबसे गहरा अटैक होता है वो क्या होता है कि एक साधक का श्रवण कीर्तन से विश्वास उठ जाता है। अरे यार, बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, ये सब कहने की बातें हैं, मेरे जीवन में अप्लाई नहीं होता, मैं थक गया हूँ, अपने पुराने संस्कारों से लड़ लड़के मैं थक गया हूँ, अब ये काम नहीं कर रहा मेरे पे। अब माया के प्रति युद्ध लड़ने का एक ही हथियार है हमारे पास, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन। उन हथियारों को हम छोड़ देंगे तो फिर क्या उम्मीद बची है? भगवान की सारी योजना को हमने फेल कर दिया। जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंच रहे थे, बॉस्टन में उतरे शिप से, तो उन्होंने देखा अमेरिका के लोगों क्या हालत है, घोर तमोगुण और रजोगुण में। प्रभुपाद जी बड़े दुखी हुए, कैसे ये भागवतम का संदेश सुनेंगे? लेकिन उनको भागवतम के संदेश पे पूरा विश्वास था। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, निश्चित रूप से इनका रजोगुण तमोगुण शांत होगा, ये सतोगुण में आ जाएंगे। प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था। इसी ढंग से हमारे हृदय में जितने मर्जी अनर्थ हो, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान की भक्तों की कृपा पे, और हमें श्रवण कीर्तन को भी छोड़ना नहीं है। ज्यादा समस्या और गहरा श्रवण कीर्तन, और समस्या और गहरा श्रवण कीर्तन। ये तो युद्ध है, युद्ध में अपने हथियार ही छोड़ दिए, चल रहा जितना मारना पिटाई करो कर लो, हो जाते हैं। कुछ सालों के बाद भक्त लोग थक जाते हैं, थक गया मैं प्रभु जी, लड़ते लड़ते थक गया, कुछ नहीं हो रहा, मैंने सब भाग सब पढ़ लिया, सब सुन लिया जो आपने कहा किया, हो ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, यहाँ भक्तों के संग में टिके हुए, ये अपने अपने बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कृपा है, लगे रहिए, लगे रहिए, और अपने तरफ से पूरा प्रयास। तो ये माया से बचने का तरीका है। माया अटैक करती है हमारे ऊपर, हमें और शुद्ध बनाने के लिए, और इसमें हर तरह की समस्याएं आएंगी। परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज पहले ब्लैक अमेरिकन थे जिन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने पहले सत्य की खोज में थे, तो किसी एक मायावादी गुरु से दीक्षा ले ली, और मायावादी गुरु से दीक्षा ली तो मायावादी गुरु अपने को जगत गुरु कहता था। तो घूमते घूमते ऐसे एक योगी के पास पहुंच गए। उस योगी ने कहा, तुमने दीक्षा ले रखी है? बोले हाँ, मेरे गुरु जगत गुरु हैं। उस योगी ने बोला, देखो बुरा मत माना, इस समय एक ही जगत गुरु हैं, वो हैं हरे कृष्णा वाले, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इनको बड़ी बात हृदय को छू गई, ऐसे कैसे जगत गुरु हो गए, मेरे गुरु जगत गुरु हैं, वो कैसे अपने आपको जगत गुरु कह रहे हैं? बोले पढ़ लो उनका साहित्य, सारा साहित्य ले लिया उन्होंने, प्रभुपाद की सारी बुक्स ले ली, पढ़ूंगा इसको और इसमें दोष ढूंढूंगा, मालूम बताऊंगा, ये साबित करूंगा कि ये जगत गुरु नहीं है। सारी किताबें पढ़ ली, जब किताबें पढ़ी तो पूरा हृदय बदल गया और आ गए प्रभुपाद जी की शरण में, और बन गए घनश्याम दास, दीक्षा भी ले ली है ना। जब दीक्षा ले ली, बोले मैं इन किताबों से बदला हूँ, अब दूसरों को भी इन किताबों से बदलूंगा। खूब पुस्तकों का वितरण करते थे और प्रभुपाद उनसे इतने प्रसन्न थे। प्रभुपाद ने कहा कि वंस यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस, आप कृष्ण को बिल्कुल आमने सामने देखोगे। इस तरह से बहुत बढ़िया चल रहा था। जब वो 54 साल के हुए तो उनको एक बीमारी डिटेक्ट हुई, कैंसर, और बहुत खतरनाक कैंसर। और डॉक्टर्स बोले, हम हैरान हैं, ऐसा कैंसर ब्लैक अमेरिकन को नहीं होता, और आपके बचने की मुश्किल से 17% चांस है। और वो इतनी ऊंची पोजीशन में, आप जानते हैं नेल्सन मंडेला के वो काउंसलर थे, बड़े बड़े जगह वो सबको अपना सलाह परामर्श देते थे, इतने इंस्पायर सबको कर रहे थे। अब जैसे ही उनको मालूम चला कि उनको कैंसर है, और वो कैंसर ऐसा खतरनाक था कि उनकी हड्डियाँ अपने आप टूट रही थी अंदर। हमारी एक हड्डी फ्रैक्चर हो जाए हमें कितनी वो होती है, जहाँ बैठते थे हड्डी टूट जाती थी ऐसे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को पत्र लिखा कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन मैंने एक साल पहले ही प्रभुपाद से प्रार्थना की थी कि प्रभुपाद बहुत मैंने स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी हृदय शुद्ध नहीं है, मुझे ऐसा दीजिए, ऐसा कीजिए मेरे जीवन में कि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाऊं, बिगेस्ट प्योरिफिकेशन आई वांट। भले प्रभुपाद ने ये बिगेस्ट प्योरिफिकेशन भेज दिया। वो कहते हैं आई एम्ब्रेस दिस कैंसर, मैं इस कैंसर को गले लगाता हूँ। और ऐसी स्थिति में भी वो श्रवण कीर्तन करते रहे, संडे फीस लेक्चर्स देते थे,
आप उनका वीडियो देखिए, एक लास्ट वीडियो जो उन्होंने दिया है, वो सब शिष्यों को बता रहे हैं आई नो वेयर आई एम गोइंग, मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरी सेवा है, आप चिंता मत कीजिए। मुस्कुराते हुए ऐसी हालत, बुरी हालत में श्रवण कीर्तन करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा, भगवत धाम वापिस गए। तो ये परीक्षाएं आएंगे, अभी भी हम देखते हैं परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कितने कष्टों से गुजरते हुए भी वही सेवा का उत्साह। तो मुश्किलें आएंगी मानसिक रूप से, शारीरिक स्तर पे कोई हमें अपमान करेगा, कोई हमें गलत समझेगा, कोई आरोप लगाएगा, ये सब माया के टेस्ट हैं, परीक्षा की घड़ी है। और श्रवण कीर्तन को गहरा कर दें और भक्तों का संग गहरा करें, ये भगवान की योजना है, इसको समझना है। इसको हम योजना नहीं मानते, हमारे अहंकार में ठेस पहुंचती, याद करें वो प्लास्टर सर्जरी को वाले को इतना कष्ट हो रहा है, मेरा सूक्ष्म शरीर बदल रहे हैं भगवान, तो कष्ट तो होगा ही होगा, थोड़ा सहलो ये कष्ट, ये कष्ट सह लिया तो हो जाएंगे भगवान के साथ, खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे खाएंगे पिएंगे, वाह आनंद ही आनंद। ये कष्ट नहीं सहना, नहीं मत करो मत करो, मरो फूक मारो बस बस, ज्यादा मत मत छुओ, छुई मुई मैं डोंट टच मी, रहने दो मुझे जैसे, तो फिर यहीं रहोगे, यहीं रहेंगे हम, ये चॉइस हमारे पास है। इसलिए जब हम मानते नहीं भगवान के, भगवान को गुस्सा आ जाता है, अरे मान नहीं रहा, मेरा सारा प्लान फेल कर रहा है। हमने अपनी आंखों के सामने कितने ब्रह्मा जी को आते हुए जाते हुए देख लिया, ब्रह्मा जी कितनी आयु होती है, 311 ट्रिलियन यार, हिंदी में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, खरबों 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 साल, वो हमारे सामने कहीं आए चले गए, हमने माना नहीं। मैं नहीं अपने सूक्ष्म शरीर को छूने दूंगा किसी को, मैं जैसा हूं वैसा हूं, इस हालत में ले जाना भगवत धाम तो मैं तैयार हूं, नहीं तो मैं नहीं बदलना अपने आप, मैं नहीं बदलूंगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपके रूप बदलने पड़ेंगे, मैं नहीं बदलूंगा, ऐसा हमारा अहंकार है। भगवान बोले ठीक है, फिर गुस्सा आता है भगवान को, फिर प्रलय करते हैं, फिर हमें दोबारा नया शरीर मिलता है, चल अपनी इच्छा को पूरी कर, चल तेरी पिटाई होगी, चल तू सुख सुधर जा। फिर जितने मनु जितने देवता आए, जाओ ब्रह्मा जी आप और आओ जाओ, मैं यहीं रहूंगा, मैंने नहीं मानना इस बात को। गुस्सा नहीं आएगा शंकरशन जी को, बोले क्या है, कैसा है व्यक्ति है। तो ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति चल रही है। तो इसे मनन करना चाहिए कि ये हम क्यों भेजे गए हैं यहाँ पे, और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, हम लोग भक्त प्रभुवा जी के आंदोलन में हैं और इतना हमें सुंदर संग मिल रहा है। तो कोई बोलेगा फिर भी ये जो कष्ट आते हैं, ये एक प्रकार से वेकअप कॉल है, जागो 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 जीव जागो। फिर भी कोई कहेगा कि भगवान ये जो फिर मेटेरियल वर्ल्ड में कष्ट ही कष्ट थे, तो हमेशा ही कष्ट देते हैं, बीच में थोड़ा सुख क्यों दे देते हैं, हमारी उम्मीद क्यों जगा देते हैं कि इस संसार में सुख है, क्यों ऐसा कर देते हैं। फिर पैदा होते ही मार पिटाई उसकी शुरू कर दो, कष्ट में कष्ट कष्ट में, वो परेशान हो जाए भाग जाएगा यहाँ से। आप यहाँ पे थोड़ा सा सुख दे देते हो, मिल जाता है सुख हमें, अच्छा खाने को, अच्छा देखने को, अच्छा मैथुन, ये वाह बोले कुछ तो उम्मीद है, तो फिर लगे रहते हैं उसी उम्मीद के चक्कर में। तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान, जब पूरा प्लान ही है तो ऐसा ही करो, है ना। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि जो सुख और दुख है भौतिक जगत का रिलेटिव है, पूरा दुखालय है, लेकिन दुख को थोड़ा कम कर देते हैं तो सुख लगता है, फिर थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर दुख को थोड़ा कम कर देते हैं। अगर हमेशा पूरा दुख रखेंगे ना, तो हमारा माइंड इतना एजिटेट हो जाएगा कि हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। आप देखा होगा जब बहुत ज़्यादा दुख बढ़े आते हैं तो कुछ समझ में नहीं आती बात है ना। और केवल दुख ही क्राइटेरिया नहीं है कि हम भगवत धाम जाने की इच्छा उत्पन्न करें, जब तक ज्ञान साथ में नहीं होगा। इस संसार में हम देखते हैं कई लोगों की हालत बहुत खराब है, उनको बोलो सेवक तब भी कुछ जुड़ते नहीं हो भक्ति में। तो केवल पूरा दुख देने से ये गारंटी नहीं है कि हम भगवत धाम जाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएंगे, साथ में ज्ञान, वही भगवान की विशेष कृपा है। भगवान हमें यहाँ इस संसार में भेज रहे हैं, साथ में समय समय पर खुद अवतरित होते हैं, खुद अवतरित होते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, साधुओं को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, भक्तों का संग देते हैं कि समझ जाओ ये पूरा प्लान है, ये मेरा योजना है, तुम मेरे ही संतान हो, मेरे ही अंश हो, ऐसे ऐसे भटक गए हो, ऐसे वापस आ जाओगे, तो पूरा प्लान है, पूरा हमें भक्तों के संग से गुरु साधु शास्त्र से मालूम चल जाता है, बस हमें केवल इसको कॉपरेट करना है। तो भगवान की पूरी योजना प्रभुपाद कह रहे हैं टू स्टेप योजना है, माया द्वारा प्रताड़ित और कृष्ण द्वारा सारी शास्त्र दिए गए हैं, गुरु साधु हैं वो हमें खींच लेंगे, माया पुश करेगी, गुरु साधु शास्त्र में पुल करेंगे, हम भगवत धाम चले जाएंगे, फिर थोड़े से ढीले होंगे, फिर माया पुश करेगी, गुरु साधु शास्त्र खींचेंगे और भगवत धाम जाएंगे। तो ये पूरा प्लान है।
और फिर इसके बाद वेदव्यास जी ने क्या देखा, बहुत सुंदर देखा कि जो जीव हैं ये फंसे पड़े हैं। तो फिर उन्होंने बोले अनर्थम उष्मम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य अजानता विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, कि ये जीव अनर्थों में अननेसेसरी अनावश्यक फंसा हुआ है और दुख पा रहा है और इसका बड़ी आसानी से इसको मुक्ति मिल जाएगी। क्या भक्ति योगा अधोक्षज, कृष्ण की भक्ति योग में लग जाए। लोकस्य अजानते, लोग ये जानते नहीं मेरे दुखों का कारण क्या है, भक्ति योग नहीं करा इसलिए दुख का कारण है। लोकस्य अजानते विद्वान चक्र सात्वत संहिता, इसलिए वेदव्यास जी ने ये भागवतम की रचना की। और भागवतम कैसा है, यस्य वैश्वेमाणायाम कृष्ण परम पुंसो, जिसके केवल श्रवण करने मात्र से भक्ति उत्पादिते पुंसाम शोक मोह भयापहा। चार चीजें हो जाएंगी भागवतम सुनते ही, भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, शोक से मोह से और भय से मुक्ति मिल जाएगी। बस पूरा पूरा योजना है। श्रीमद भागवतम आ गई, शिला पोपा जी ने भागवतम दे दी और हम अब क्या करें, पूरा भागवतम के अनुसार अपना जीवन जिए। अभी हमने भद्र पूर्णिमा में भागवतम का बांटा, आपका मंदिर थर्ड आया है ना बड़े मंदिर कैटेगरी में, और पंजाबी बाग सेकंड आया मीडियम टेम्पल कैटेगरी में, तो बहुत अच्छा। अभी हम भगवद गीता भी बांटेंगे। नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं भागवतम भगवदगीता बांटनी भी है, पढ़नी भी है और अपने जीवन में बतानी है ना। एक बार मायापुर से हमारे यहाँ भक्त आए थे, हरी लीला प्रभु, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। बोले हम अक्सर क्या समझते हैं कि श्रीमद भागवतम इज फॉर प्रीचिंग एंड लाइफ इज फॉर लिविंग। भागवतम का खूब प्रचार करो, बड़ी बड़ी कथा करें, सप्ताह दें और लाइफ अपना जीवन है, लाइफ इज फॉर लिविंग। थोड़ा उल्टा कर दो, श्रीमद भागवतम इज फॉर लिविंग एंड लाइफ इज फॉर प्रीचिंग, है ना। ये प्लान है कि भागवतम को पढ़ें, समझें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और ये जीवन प्रचार के लिए। तो फिर हम इसी जीवन में भगवान की योजना के अनुसार कोऑपरेट करते हुए भगवत हम वापिस जा पाएंगे। और यही शिला प्रभुपाद चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें ये शास्त्र दिए हैं कि हम भी अपने जीवन को सार्थक करें, जन्म सार्थक करें कर परोपकार। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न? इसमें दो प्रश्न है गुरुजी, इसमें जैसे हम बाहर जाते हैं तो एक व्यक्ति ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि व्हाई इज योर कृष्णा सो मतलब पोजेसिव, कि ही वांट्स एवरीवन टू वर्शिप हिम एंड देन ओनली यू कैन बी हैप्पी। ही हैज क्रिएटेड अ सिस्टम इन सच अ वे कि विदाउट वर्शिपिंग मी यू कैन नॉट बी हैप्पी। सो इफ एट ऑल देयर वाज अ लव, उन्होंने बोला इफ एट ऑल देयर वाज अ लव शुड सपोर्ट अस टू बी हैप्पी इन व्हाटएवर वे ही वांट्स टू बी हैप्पी। उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना रखा, मुझसे प्रेम करो तभी खुश होगे। तो दादागिरी है, हाँ दादागिरी कर रखी है, तो इसका क्या है? दादागिरी बिल्कुल है, दादागिरी। कृष्णा इज एरिस्टोक्रेटिक ट्रांसडेंटल जलस लवर, एरिस्टोक्रेटिक है, ट्रांसडेंटल है, जलस है, किसी और से प्रेम नहीं करोगे। कोई प्रेमी कैसे दे सकता कि तुम मेरा जो प्रेम किसी और से प्रेम कर रहा है, और बाकी जिनसे भी प्रेम करेगा देवी देवताओं की शरण में जाएगा, वो खुद कृष्ण पर आश्रित है। आपको जो आप चाहते वो मिलेगा ही नहीं। आप आत्मा है छोटा सा, उसकी प्यास बहुत बड़ी है प्रेम की। कोई देवी देवता आपकी प्रेम की प्यास बुझा ही नहीं सकता, खाली मैं ही बुझा सकता हूँ, तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। ये तो कृपा है, पहले से बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, क्यों धक्के खा रहे हो। लेकिन जो धक्के खाना चाहते हैं उनके लिए कृष्ण जी पूरे पूरा वैदिक शास्त्र दिए हैं। चलो आप इसमें जाओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आना कि जल्दी आना आपके ऊपर चॉइस है। ऐसा नहीं उनके लिए नहीं, पूरा वैदिक हमारे जो शास्त्र हैं बहुत अकोमोडेटिव है, हर प्रकार की व्यक्ति की इच्छा के लिए एक शास्त्र है। तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी, उसके लिए अलग शास्त्र हैं, पुराण है, उसका पालन करो, अपना क्रमशः विकास करो और अंततः मेरी शरण में आओ। अधिक बुद्धि मानो तो सीधा मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं ही आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ और कर ही नहीं सकता, चॉइस आपकी। दूसरा चीज पूछ रहा था मुझे कि आपने ये पूरा बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार हमें यहाँ से वाइंड अप करना चाहिए, निकलना चाहिए, हैविंग अंडरस्टूड दिस थिंग्स। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्जेस, व्हेन दैट अर्जेस कम्स एंड बिकॉज़ वी हैव अ टेस्ट फॉर समथिंग इंटेलेक्चुअल टू लाइक फॉर एग्जांपल वाचिंग न्यूज़, वी हैव अ टेस्ट फॉर वाचिंग न्यूज़ ऑफ टेकिंग सम न्यू मीडिया इनसाइड, वो उस टाइम पे फिर जब खाली होते हैं तो द माइंड नेचुरली फ्लोज इनटू दैट डायरेक्शन, उस पे क्या करें? तो हमारे संसार के कुछ सुखों की आदत पड़ी हुई है चखने की, तो वो तभी खत्म होगी जब हायर टेस्ट मिलेगा। इसलिए क्या रसायन, है ना, रसायन कहाँ से मिलेगा? भक्तों के संग में।
अच्छा गहरा संग करके श्रवण के तय करेंगे। मम वीर्यो संविता, भगवान की कथाओं को सुनना है और फिर मनन करना है, डूब जाना है, तब वो रस मिलेगा, वो रसायन हमारी रक्षा करेंगे भौतिक आकर्षण से, और फिर हमारे में इतनी बुद्धि हो जाएगी इन सब भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे, तब युक्त वैराग्य होगा। अभी भगवान की सेवा में लगाते हैं तो कुछ अपना भी लगा लेते हैं तो ये यहाँ फंस जाते हैं। मैं थोड़ा देख ही लेता हूँ भाई, तुम्हें स्मार्टफोन ही तो है थोड़ा तो भगवान की सेवा में लग रहा है और मेरी सेवा में लग रहा है, काम हो रहा है तो ये हो जाते हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार काफी चीजें सुना जो कि अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब इस तरह से आपने बताया ऐसा भी होता है। प्रभु जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं, सभी भक्त भी कहते हैं कि हमारी 16 माला सुबह हो जाती है तो पूरा दिन हम सारे कार्य अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मेरा शेड्यूल कुछ इस प्रकार का, मैं 7:45 बजे मंदिर से निकल जाता हूँ, मुझे ऑफिस जल्दी निकलना होता है तो मेरी 16 माला नहीं हो जाती। मैं काफी संघर्ष कई साल से कर रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ उपाय बताएं जिससे मैं अपनी 16 माला सुबह घर पे ही करके जाऊँ। जल्दी उठ जाइए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, लाइफ को इस ढंग से मोल्ड कीजिए। 10 बजे सोता हूँ, 4 बजे जगता हूँ, और जल्दी सो जाइए, कोशिश कीजिए अगर संभव है तो कोशिश कीजिए। प्रभुपाद कहते हैं अपने जीवन को इस ढंग से ढालिए कि हम हमेशा माया से बचे रहें, भक्तों के संग में रहें, हमारी आध्यात्मिक प्रकृति बनी रहे। तो जो संभव करिए, समझो ये भी नहीं हो पा रहा तो जॉब बदलने का कुछ कुछ कीजिए, ये अर्जेंट बात है, इसको हम टाल नहीं सकते। टलता रहेगा तो मुश्किल है ना, है ऐसी तो कठिनाइयां हैं, इस संसार का जो शहरी जीवन बहुत कठिन है, जटिल है, लेकिन अब जितना आप बेस्ट कर सकते हैं प्रयास कीजिए। थैंक यू। यस ब्रजेंद्रन भोज, यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे, ये हमारे ऊपर है जो साधना के जो समय निर्धारित है, हमारे भक्त 3:30 बजे उठ जाते हैं। अब जैसे हमें अपना टाइम टेबल बनाना है, अगर हमें जब करना है, हमें साधना मजबूत करनी है तो हमें ही अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा टाइम टेबल, हम खुद गृहस्थ हैं लेकिन हम हमें 16 माला जब करना ही करना है, तो उसके लिए हम पहले प्रभु जी 3:30 बजे उठते थे, डेली 3:30 बजे उठता हूँ और उसके बाद फिर नहा धो करके चाय तैयार तो फिर अपनी वाइफ उठाता हूँ, फिर हम लोग 4:30 बजे आते हैं। लेकिन हमने देखा कि इसमें हमारी कुछ जब पाना रह जाती है तो अब हमने टाइम टेबल चेंज किया कि हम 3:15 बजे उठा करेंगे, क्योंकि उस समय का सुबह का समय जितना अच्छा जप होता है दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सीमाएं आते जितनी समस्या है, तो समय को हमें निकालना पड़ेगा। तो 3:15 बजे अगर आप उठ जाए, स्नान कर लीजिए, तब देखिए आपकी माला कितनी अच्छे ढंग से होती है। 4:30 हाँ ये नियम है, तो 4:30 मंगल आरती के 5:30 बजे जैसे जीता में यहाँ सब टाइम टू खत्म, 5:30 से चैंटिंग का समय शुरू हो जाता है, तो 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तो मैं यही जब करता हूँ। अब सुनो 4:15 बजे से जब करना शुरू कर दिया हूँ, राइट, फिर यहाँ पे जब किया, फिर आधे घंटे जाते होता है, ये ऐसा होता है कि 9 बजे पहले बड़े आराम से जब होता है, समय को हमें चुराना है। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त होता है भक्तों के लिए, किसी भी आसन में क्यों ना हो, चाहे गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ, किसी आसन, उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त स्वास्थ्य के लिए, शास्त्र कहता है स्वास्थ्य के लिए और इसके लिए क्या होता है भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय होता है, इसे इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसको जितना आप यूटिलाइजेशन करेंगे उतनी भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सुबह का समय ही साधना के लिए है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने व्यक्तिगत अनुभव किया। यहाँ माइक, हाथ खड़ा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे आपने बताया कि ये ना सटल बॉडी का सर्जरी जब होता है हमारा, और जब कष्ट आते हैं, कष्टों के द्वारा ये सर्जरी होता है, तो उस वक्त
हमें उसको किस तरह से लेना है, मतलब पॉजिटिव तरीके से लेना है, तो उस वक्त क्या कुछ मतलब प्रैक्टिकली हम क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, मतलब जैसे जप हो सकता है ज़्यादा, या इट्स मोर ऑफ काउंसलिंग है उस वक्त, या फिर हम मोर ऑफ स्क्रिप्चर में जाएं, क्या कुछ तक जल्दी ऐसा होता है जब आता है हम इसको सुनते भी हैं कई बार, लेकिन जब एक्चुअल में कष्ट आता है तो फिर मन विचलित हो जाता है, तो उसमें सबसे पहले सबसे इस शेल्टर लेने की प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब स्टेप क्या हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं? धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो हम प्रयास कर सकते हैं, पहले तो छोटे छोटे जो भी कष्ट आते हैं उसको कृष्णा कॉन्शियस देखने की प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे कष्ट भी आते हैं उसको भी बोलें, अरे इसमें भगवान की इच्छा है, ये भगवान की योजना है। छोटे छोटे कष्टों से देखने का प्रयास करेंगे तो फिर बड़े कष्टों को हम हैंडल कर पाएंगे। भगवान पूरा हमें ट्रेन करते हैं, हमारे जीवन में छोटे छोटे कष्ट जो हम प्लान करते हैं पूरा नहीं होता, घर में हमारे ऑफिस में कोई काम करने वाला नहीं आया, हमें गुस्सा आ गया, घर में कोई मेड सर्वेंट नहीं है, छोटे छोटे भी कष्ट होते हैं, उसमें देखें हम कितने विचलित हो रहे हैं, तो इसको भी कृष्णा कॉन्शियस देखने का प्रयास करें। ये देखते होते अब आदत पड़ जाएगी तो फिर बड़े कष्टों को भी हम देख पाएंगे। और जो सबसे चीज़ इसमें जो हेल्प करती है वो भक्तों का संग, भक्तों के संग में आए। अगर हम अपने आप से हैंडल नहीं कर पा रहे तो किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाएँ, अपना मन खोलें, बताएँ ना। हमारे समुदाय में एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसे भक्त जो इतनी सेवा करते थे तन मन धन से, बहुत सेवा, बहुत प्रचार, बहुत गीता भी बांटते थे हर साल 20,000 गीता बांटना। उनको बिजनेस में इकट्ठे 100 करोड़ का नुकसान हो गया। आप सोचिए 100 करोड़ में सब कुछ बिक गया, 100 करोड़ छोटी बात नहीं होती, इतने नामी धामी व्यक्ति 100 करोड़ का नुकसान। और तुरंत गुरु महाराज के पास आए, फिर हमारे आते थे हमारे संग में थे, तो उनको समझाया कोई बात नहीं प्रभु निकल जाएगा, लगे रहो, तो वो लगे रहे बिल्कुल। और उस साल भी 3 साल पहले 100 करोड़ का नुकसान, तब भी मैराथन में 20,000 गीता ही बांटी। और उस व्यक्ति से हमने गीता उन्होंने स्पॉन्सर किया जिसने उनको बिजनेस में धोखा दिया। बोले आप कैसे व्यक्ति, बोले वो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है, ये हर साल 5,000 गीता करते हो तो करनी पड़ेंगी आप, वो एक रिलेशन अलग है। तो ये भगवान ने देखा ऐसे चल रहे हैं, तो चल रहा है वो कोर्ट में उनका केस चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ वो अपने उन्होंने पूरा मेंटेन किया। और कहते हैं लोग पूछते हैं आप कैसे, आप लोग तो पागल हो जाना चाहिए, आपको हार्ट फेल हो जाना चाहिए। बोले बिल्कुल हो जाता अगर ये भक्त लोग ना होते, भक्तों ने संभाल के रखा, तो भक्तों को नहीं छोड़ना हमने, भक्तों को पकड़ के रखें। और कोई भक्त हमें पकड़ रहा है इसमें, उनसे अपने हृदय की बात करें, पूरा साधना अच्छी रखें, तो निकल जाता है टाइम। ये सब टेम्परेरी है, सब निकल जाएगा। अगर अकेले हैं तो फिर टूट जाएंगे, फिर मुश्किल है ना, दैट मैटर। तो इसलिए छोटी छोटी बातों में भी हमें कुछ है तो हम भक्तों के संग में ही रहें, उसको पालना चाहिए, दैट वे इट हेल्प्स, राइट? ओके, थैंक यू। करें क्वेश्चन, माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो जैसा आपने बताया तो मतलब जब वो प्रॉब्लम्स आती है तो दूसरों को हम दोष ना दे, वो कैसे कि किसी की, मान लीजिए किसी ने हमें मतलब गलत वर्ड्स बोले, तो हम वो कृष्ण की वो देख रहे हैं कि कृष्ण की कृपा है, बट कहीं ना कहीं हमारा उस व्यक्ति के प्रति भी नेगेटिविटी आती है, तो वो कैसे कैसे वो चीज़ ना आए हमारे अंदर कोई भी सिचुएशन में, तो वो कैसे हम कर सकते कि दूसरों को हम ब्लेम ना करें। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना थी कि मतलब आप कष्ट दीजिए, पर हमारी सिचुएशन ऐसे कई बार हम कष्ट तो आ जाते हैं बट हम उसको कृष्ण की कृपा भी देख रहे हैं, बट फिर भी हम दूसरों पर ब्लेम करने की वो टेंडेंसी या इनकी वजह से ये हो गया, तो उससे कैसे मतलब हम कर सकते हैं? देखिए माता जी, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, कुछ हमारे साथ गलत हो जाए बोले मैं तो ठोकूँ ये गलत है, कि हमारी ईगो हम इसी में संतुष्ट होती है कि जो मेरे साथ गलत हो रहा है इसके कारण हो रहा है। और जब तक ये मेंटेलिटी रहेगी भगवान बोले यहीं रहो, अभी तुम शुद्ध नहीं हुए। और हम ब्लेम करते भी रहे, इससे फ़ायदा क्या होगा? बोले क्यों नहीं आया भगवत धाम, इसके कारण नहीं पहुँच रही, तो मैं पहुँच ही जाता। तो ब्लेम करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एक तो बॉटम लाइन रख लीजिए, अपनी आदत को सुधारना है, कार्तिक में व्रत ले लीजिए, कभी ब्लेम नहीं करना किसी, ब्लेम नहीं करना बस, इससे हमारा नुकसान ही नुकसान होगा। जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे हम अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, जब तक अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे माया में फंसे रहेंगे। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे ने कोई सहयोग नहीं दिया कोई बात नहीं, दे सकता था नहीं दिया कोई बात नहीं, अब मुझे अपने आप को हैंडल करना है। और वैसे हैंडल यानी अपनी मनमर्जी से हैंडल करूंगा, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही चलूंगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये हमारी ईगो होती है, इसके कारण ऐसा होगा, इसके कारण ऐसा होगा।
जयानंद प्रभु थे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, किसी ने बोला जयानंद प्रभु आपके लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, बोले टाइम किसके पास है, वो कह रहे हैं करने तुम्हें सेवाएं इतनी है मेरी, कोई हमें मालूम चले किसी ने ऐसा कह रहे हैं, अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं, सेवा बंद कर देंगे, ऐसे कैसे कह रहे हैं, पहले क्लैरिफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत हर्ट हो जाएंगे। तो जब तक हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, उसके लिए वो उत्सुकता ज़्यादा नहीं है, तो संसार के छोटे मोटे चीज़ों से हम परेशान होते रहेंगे, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, चलता रहेगा और ये संसार भी हमारा चलता रहेगा, कई जन्मों से यही कर रहे हैं, यही होता रहेगा, चॉइस इज आवर्स। इसीलिए इसको पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, समझना है, भक्तों के संग में रहना है, तो हमारा एटीट्यूड ठीक होता जाएगा, सटल बॉडी चेंज होती जाएगी और फिर ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ कह आपने पहले ही समझा दिया था इस बात को कि जो भगवत गीता है उसको हमें पढ़ना भी चाहिए और समझना बहुत आवश्यक है, समझने के बाद अपने जीवन में उतारना ये बहुत आवश्यक है। आज पूरे संसार की प्रभु यही समस्या है कि लोग गीता पढ़ते नहीं, जो आजकल अपने आप तथा कथित पंडित हिंदू कहते हैं ये बिल्कुल नहीं पढ़ते, हमारा अनुभव है। आप जाइए, मैं अभी गया था बिहार में प्रचार करने के लिए, मधुबनी क्षेत्र में गीता बांटने के लिए, वहाँ के ब्राह्मण बड़े बड़े पंडित सब अपने आप को पंडित कहते हैं, सब मांसाहारी हैं, दारू पीते हैं। समस्या यहीं पे है कि इतनी गीता का शौक, कोई गीता को पढ़ता नहीं, जब पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे सुधरेगा, सुधरता वही जो सुनता है। भगवान हमारे परम पिता हैं, हम उन्हीं की बात नहीं सुनते, भगवान कहते मन मनाओ मत भक्तो मध्य जी मर कर, किसके लिए बोला है, हमारे लिए बोला है कि अपना मन मेरे में लगा, मेरी भक्ति करो, कौन कर रहा है, यही समस्या है संसार की। आप किसी भी तीर्थ स्थान में चल जाइए, भीड़ मचती रहती है, इसमें कार्तिक मास चल रहा है, जिसको देखो वही परिक्रमा कर रहा है, जा रहा है हरिद्वार, जा नहा रहा है, लेकिन जैसे दिल्ली आता है सारे कुकर्म करना शुरू कर देता है, ये बड़ी समस्या है। लोग अपने पांव कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, है ना, और दोष भगवान को हमारे कष्ट क्यों दे रहे हैं। धृतराष्ट्र को भगवान ने ही समझाया, उसे जब पूछा महाभारत युद्ध खत्म हो गया कि हमारे हमने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि हमारे सब पुत्र मार गए मेरे सामने, तब भगवान उसको दिव्य दृष्टि पिछला बताया कि तुमने ऐसा कर्म किया था। तो इंसान अपने कर्मों से गिरता है, अपने कर्मों से उठता है, उसको न कोई गिराता है न कोई उठाता है, सारे कर्मों का ही फल है। आप खुद सोचिए कि भगवान पांचों पांडवों के साथ थे, तब उनको इतना कर झेलना पड़ा, सोचिए इस बात को, वो तो भगवान तो उनके साथ थे, फिर कितना कष्ट झेलना पड़ा, कुंती मान दुखी मांगती है। तो इस संसार में कष्ट झगड़ना पड़ के यही दुखाल है। आप किसी युग में आइए, आप सत्ययुग में, त्रेता युग, द्वापर युग में भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ा, क्योंकि सत्ययुग में सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, दुष्टों का सबसे ज्यादा प्रभाव सत्ययुग में, त्रेता युग, द्वापर युग होता है, इसीलिए भगवान को बार बार मानने को उतारना पड़ा। कलयुग इसलिए अच्छा है कि अब देवता भी आनंद में रह रहे हैं, यहाँ भी ज्यादा अत्याचार है, भगवान कहते हैं हरि नाम रूप में आ जाते हैं, कलिकाने नाम रूप कृष्ण होता है, इसीलिए चेतन महाप्रभु आए, है ना, हम हरि नाम लें, यही से हमारा बचाव है और कुछ नहीं। धन्यवाद आप सबका, हरे कृष्ण, सब लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना करिए कि हम सब मिलके जो ये संदेश है इसको अपने जीवन में उतार सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।